दोस्तों, अगर आपने जॉम्बी हॉरर स्टोरी के पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप पहले उसे देख लें, वरना वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि रॉड बुल्ली को यहाँ से भागने को बोलता है, बुल्ली यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये जॉम्बीज रॉड के पास आने लगते हैं। डर के मारे रॉड भी यहाँ से भागने लगता है। तभी इसको याद आया कि गुल्ली अकेले हॉस्पिटल में है, तो ये हॉस्पिटल में गुल्ली के पास आ जाता है और इसकी सुरक्षा करने लगता है। और इधर बुल्ली एक जॉम्बी से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी गुल्ली जॉम्बी में बदल जाता है और कहीं जाने लगता है। गुल्ली भी रॉड को जॉम्बी ही समझ रहा होता है। तभी बुल्ली के पीछे ढेर सारे जॉम्बीज पड़ जाते हैं और ये भागते भागते हॉस्पिटल के पास आ जाता है और रॉड बुल्ली के पीछे ढेर सारे जॉम्बीज को देख लेता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और तभी बाबा अपनी बाइक लेके इन दोनों के पास आ जाते हैं। बुल्ली और रॉड बाबा को इतनी सही टाइम पे देख के काफी हैरान रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि, और रॉड और बुल्ली कैसे हो, खाना वाना खा लिया क्या? बुल्ली कहता है कि, अरे बाबा इधर हालत खराब हुई पड़ी है, इसमें हम खाना कैसे खा सकते हैं? बाबा कहते हैं, तो ठीक है गाड़ी में बैठो, होटल में चल के खाना खा लेते हैं। अरे बैठो जल्दी, जॉम्बीज आ गए पास में, बाद में जोक मार लूंगा मैं। रॉड कहता है कि, लेकिन बाबा हम बैठे कहाँ, गाड़ी पे तो एक ही आदमी की जगह है। बाबा कहते हैं कि, अरे एक दूसरे के मुंडी पे बैठ जाओ और चिंता मत करो, ट्रैफिक पुलिस वाला भी जॉम्बी बन चुका है, आते टाइम मैंने उससे बातचीत कर ली थी। और अब बाबा इन दोनों को लेके इनके घर आ चुके हैं। बुल्ली कहता है कि, बाबा आपको हमारे बारे में किसने बताया, आखिर आपके कितने जासूस हैं और वो कहाँ कहाँ छिपे हैं? बाबा कहते हैं कि, अरे बुल्ली मैं तो गलती से वहाँ चला गया था, दरअसल मैं रास्ता भटक गया था और तभी तुम लोग मुझे मिल गए। रॉड कहता है कि, तो बाबा आपको पता है क्या कि जॉम्बी को ठीक करने वाली दवाई कहाँ रखी है? बाबा कहते हैं कि, अरे बिल्कुल पता है, वही लेने तो मैं शहर में गया था। बुल्ली कहता है कि, तो बाबा कहाँ है वो दवा, हमें भी तो दिखाओ। बाबा कहते हैं कि, उस दवा को मैंने बंदूक में भर दिया है, लेकिन बस एक दिक्कत है, उस दवा का असर काफ़ी कम हो चुका है, तो शायद अब ये काम ना करे। ये बताओ कि गुल्ली और शॉन को जॉम्बी बने कितने देर हो चुके हैं? बुल्ली कहता है कि, बाबा उनको जॉम्बी बने तो बस कुछ ही घंटे हुए। बाबा कहते हैं, तो शायद हम उन दोनों को बचा सकते हैं, चलो चलते हैं, और तुम दोनों थोड़ा जॉम्बी से सावधान भी रहना। और ये लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं और बुल्ली कहता है कि, बाबा आप देर किस बात की है, आप जल्दी इस पे हमला करो। बाबा कहते हैं कि, अरे गुल्ली और शॉन तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। रॉड कहता है कि, बाबा अगर आप कहो तो हम उन दोनों को ढूंढने जाते हैं, और आप भी उनको ढूंढने जाओ, किसी ना किसी को तो कोई मिल ही जाएगा। बाबा कहते हैं कि, पहले मैं इस सामने वाले जॉम्बी पे हमला करके देखता हूँ, देखते हैं इस पे दवा का असर होता है या नहीं। और बाबा इस जॉम्बी पे गन से फायर कर देते हैं। लगता है कि इस जॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये तो ढेर हो गया। बुल्ली कहता है कि, अरे बाबा ये तो जानलेवा दवाई निकली, इससे तो इस जॉम्बी मारा गया। बाबा कहते हैं कि, अरे कोई बात नहीं, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मुझे तो लगता है। खैर चलो गुल्ली और शॉन को ढूंढो। और रॉड बुल्ली के साथ गुल्ली और शॉन की तलाश में निकल पड़ा है। रॉड बुल्ली से कहता है कि, बुल्ली तुम्हारे पास टॉर्च वगैरह है क्या, ऐसे अंधेरे में दो जॉम्बीज को ढूंढना तो बहुत भयानक चीज़ है। बुल्ली कहता है कि, रॉड टॉर्च तो मैंने लाया ही नहीं, वैसे तुम चिंता मत करो, कुछ घंटों में सुबह हो सकती है, क्या पता अभी टाइम कौन सा हो रहा है। तभी इनको एक बिल्डिंग पे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, ये तो कोई जॉम्बी है। रॉड कहता है कि, वो देखो बुल्ली, कहीं वो गुल्ली या शॉन में से तो कोई नहीं है। बुल्ली कहता है कि, पता नहीं रॉड। तभी ये जॉम्बी ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये दोनों इसके पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि, रॉड तुम्हें क्या लगता है, आखिर इस जॉम्बी ने ऊपर से छलांग क्यों लगाई? रॉड कहता है कि, पता नहीं, शायद से इसे कोई दिक्कत होगी। खैर हमें गुल्ली और शॉन को ढूंढना है, हमारे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है। और इधर बाबा इस जॉम्बी के पास खड़े हुए हैं, शायद इसको ध्यान से देख रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बेहोश है, या क्या पता ये मर गया है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बाबा यहाँ से भागते हुए जाने लगे और अब ये भी गुल्ली और शॉन की तलाश में निकल पड़े हैं। बाबा बहुत जोश में हैं, आज ही सबको ठीक करके रहेंगे। और इनको अपने सामने अपना शिकार भी दिखाई दे गया। और अब बाबा ने अपनी बंदूक से कमाल का निशाना लगा दिया, लेकिन शायद इस बार इस दवा ने काम नहीं किया और इस दवा का इस जॉम्बी पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। बाबा को ये देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये काफी हैरान रह गए हैं।
और ये जॉम्बी तो आराम से नाच रहा है। बाबा को ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि जॉम्बी ऐसे नाच कैसे सकता है और ये इतनी आराम से कैसे है। तभी ये बाबा को देख लेता है और अब इसने बाबा की ओर दौड़ लगा दी। तभी इसको बाबा ने दोबारा शूट कर दिया और इस बार ये बेहोश हो जाता है, या क्या पता ये मर गया। और ये दोनों अभी भी गुल्ली और शॉन को ढूंढ रहे हैं। ऐसे कुछ देर चलने के बाद इन्होंने देखा कि सामने कोई है और वो शायद कुछ खा रहा है। रॉड कहता है कि बुल्ली तुम्हें सामने कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये मुझे शॉन जैसा दिखाई दे रहा है। चलो इसको किडनैप कर लेते हैं और फिर हम इसे बाबा के पास ले जाएंगे। बुल्ली कहता है कि इसको लेके कैसे चलें? ये हमारी बात थोड़ी ही ना मानेगा। रॉड कहता है कि बुल्ली शॉन शायद भूखा है, चलो उसे चारे की मदद से बाबा के पास ले चलते हैं। बुल्ली कहता है कि रॉड हमारे पास चारा कहाँ है? रॉड कहता है कि तुम हो ना चारा, जाओ उसको अपने पीछे पीछे भगा के बाबा के पास ले चलो और चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। और अब बुल्ली शॉन के पास आने लगा, इसको थोड़ा डर लग रहा है। ये शॉन के पास आके खड़ा हो गया और उछल कूद करने लगा। शॉन को इसके बारे में पता चल गया और बुल्ली फौरन यहाँ से भागने लगता है। शॉन भी इसके पीछे पीछे जाने लगा और रॉड शॉन के पीछे है और ये तीनों भागते भागते हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बाबा हैं ही नहीं। अरे बाबा भी तो गुल्ली और शॉन को ढूंढने गए थे। ये बुल्ली तो फंस चुका है, शॉन इसके पास आ रहा है और यहाँ पे बाबा हैं ही नहीं। अरे शॉन ढेर कैसे हो गया? ये तो बाबा हैं और इन्होंने ही शॉन को दवा वाली गन से मारा है। ये लोग बाबा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और अब बाबा बुल्ली के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि अरे बाबा आपने तो मेरी जान बचा ली, वरना तो मैं आज शॉन का डिनर बन चुका होता। लेकिन अब ये शॉन का होगा क्या? कहीं आपने इसको सच में गोली तो नहीं मार दी? बाबा कहते हैं कि अरे नहीं बुल्ली, ये तो बस दवाई वाली सुई थी, तुम चिंता मत करो। वैसे तुमने बस शॉन को ही क्यों लाया? आखिर तुम लोग गुल्ली को क्यों नहीं लेके आए? रॉड कहता है कि बाबा वो तो था ही नहीं, वहाँ पे हमें बस शॉन ही मिला। वैसे ठीक कब तक होगा? और बाकी के जॉम्बीज ठीक हुए क्या? बाबा कहते हैं कि रॉड वो जॉम्बीज का तो पता नहीं, लेकिन शॉन कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। तभी इनको कुछ आवाज़ आती है, ये लोग आवाज़ के पीछे जाने लगते हैं। तभी इन्होंने देखा कि ये गुल्ली है और ये तो शुरू से ही नाचने में लगा हुआ है, इसको सबने अनदेखा कर दिया था। रॉड कहता है कि ये गुल्ली तो कमाल का जॉम्बी निकला, इसके सामने तो बड़े बड़े डांसर्स भी फेल हैं। बाबा कहते हैं कि अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे गुल्ली को भी ठीक करता हूँ। और ये बाबा के एक और कमाल का शॉट और ये गुल्ली ढेर हो गया।